अभी अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर के, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिस चीज का इंतजार हर एक भारतवासी अपने घर के छत के नीचे बैठ बैठ कर कर रहा था, फाइनली ऑस्ट्रेलिया भी उस दिन के लिए तैयार हो गया है। और वास्तव में क्या है पूरी खबर, बने रहिए वीडियो में अंत तक। ऑस्ट्रेलिया ने वास्तव में क्या बयान दिए है वह भी आपको सब कुछ सबूत के साथ दिखाएंगे। और कब है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप दोबारा कब खेला जाएगा वो तारीख भी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, आपको वास्तव में एक भारतीय होने पर गर्व होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा से वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, इस खुशखबरी को अब खुद आईसीसी के प्रेसिडेंट ने बताया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैच में बेईमानी करी थी और इसके सबूत अब हम सभी के सामने आ चुके हैं। जिसके बाद आईसीसी के बाद जब यह फैसला पहुंचा तो उन्होंने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो चलिए बताते हैं क्या बोला आईसीसी प्रेसिडेंट ने। लेकिन अगर आप भी है भारतीय टीम के फैंस तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में टीम इंडिया ने 240 रन बनाए थे और जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट भी गिरा दिए थे। लेकिन उसके बाद टीम ने 7 विकेट से मुकाबले में जीत हासिल कर ली। लेकिन मैच के बाद ही विवाद काफी खड़ा हुआ कि अंपायर रिचर्ड ने लघुशंक को आउट नहीं दिया, जबकि वह LPW आउट थे, उसको भी हार का कारण माना गया है। लेकिन उसके बाद इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ट्रेविड ने जब रोहित का कैच पकड़ा था तो उनके हाथों से गेंद छूटी हुई नजर आ रही है, जिसको देखने के बाद हर किसी का गुस्सा जमकर फूटा। लोगों को यकीन है रोहित शर्मा अगर उस समय मौका मिल जाता और वह एक बड़ी पारी खेल सकते थे, क्योंकि जिस तरह की लय में थे उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि बेमानी तो हुई है और शायद इसलिए आईसीसी के ऊपर दोबारा मुकाबला करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आईसीसी प्रेसिडेंट ने रातों रात तत्काल एक मीटिंग बुलाई जिसमें यह सारे के सारे सबूत को रखा गया और सबूत पूरी तरह से सच साबित हुए है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के साथ अंपायर की भी बेमानी रही है। लेकिन आईसीसी प्रेसिडेंट ने इसके लिए वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सदस्यों की राय इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी की रजामंदी के बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन आईसीसी के प्रेसिडेंट ने यह बताया कि मौका देकर बीच में हो सकता है कि दोबारा फाइनल मुकाबला कराया जाए। लेकिन इसको लेकर काफी खुशी का माहौल हर एक भारतीय समर्थक में देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, अगर दोबारा फाइनल मुकाबला होता है तो कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।